हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छिड़ी एक घमासान लड़ाई की। ये किसी देश के बीच की लड़ाई नहीं है, किसी नेता के बीच की लड़ाई नहीं है, ये है दो यूट्यूबर्स के बीच की लड़ाई। एक तरफ हैं ध्रुव राठी और एक तरफ हैं गौरव तनेजा, जो कि इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर लड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एनसीईआरटी ने कहा है कि उनकी किताब में भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। उस पर एक कमेंट आया ध्रुव राठी का, जिस पर उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेस भारत क्यों करना है, क्योंकि संविधान में तो दोनों ही नाम लिखे हुए हैं। उनके इस कमेंट पर, उनके इस ट्वीट पर गौरव तनेजा ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि भारत में जो चल रहा है वो भारत को हैंडल करने दें और फॉरेनर्स जो हैं वो इसमें इंटरफेयर ना करें। तो ये जो लड़ाई है धीरे धीरे पर्सनल होती जा रही है, लेकिन इंडिया वर्सेस भारत कितना इम्पॉर्टेंट है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, ये जो इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई है, ये पिछले साल से चली आ रही है, एक साल हो चुका है इस लड़ाई को और ये समय समय पर उठती रहती है। इस पर ध्रुव राठी और गौरव तनेजा को तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये इंडिया वर्सेज़ भारत कितना इम्पॉर्टेंट मुद्दा है? देखिए, इंडिया बोलिए चाहे भारत बोलिए, मतलब मेरे लिए तो दिल में दोनों के लिए सेम वो है, सेम जज्बात है। और इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम जो है वो ठीक है, अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ जब आए और मतलब वो पहले से इस देश को इंडिया बोलते थे, तो उसके पीछे की हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ही ये नाम दिया था कि ऐसे ही दे दिया था। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो है कि जो इंडस वैली, जो इंडस रिवर है जी, उसके साथ वो इंडिया, इंडस रिवर से ही ये धीरे धीरे ये नाम इंडिया बनता गया। इंडस रिवर की इधर हम लोग हैं, तो उसकी वजह से हम इंडिया कहते थे, पहले भी कहते थे। फिर अंग्रेज़ों ने जब हमारे यहाँ रहे और जब उनका वो 200 साल हमारे ऊपर राज किए, तो उन्होंने एक बाउंड्री के तौर पे मार्क करने के लिए कि अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया कहलाएगा, क्योंकि इंडस के इधर वाला हिस्सा ठीक है। और तो दूसरी तरफ जब हम भारत बोलते हैं, तो भारत एक बहुत ही एंशियंट नाम है, 2000-3000 पुराना, मतलब विष्णु पुराण में भी भारत का जिक्र है। लेकिन जब हम भारत बोलते हैं तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो फिर सिर्फ इंडिया नहीं आता है, उसकी बाउंड्री जो अभी हमारी हिंदुस्तान की जो बाउंड्री, उसके और बाहर तक के एरिया को भी हम भारत बोलते थे जी। अब जहाँ तक रह गई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ठीक है, तो इस तीन नामों पे चर्चा हुई कि हम भारत बोले, इंडिया बोले या हिंदुस्तान बोले जी। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने बोला कि अगर हम इंडिया बोलेंगे या भारत बोलेंगे तो वो जो डाइवर्सिटी है इस देश की वो नहीं आ पाएगी। बहुत डिबेट हुए इस पर, इंडिया रखें तो क्यों रखें, इंडिया मतलब सब जानते थे इंडिया इंडिया करके जी। तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वो साफ लिखा है, इंडिया डेट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस पर कोई राजनीति या कोई बहस की गुंजाइश नहीं है मेरी नज़र में, ये इट्स जस्ट अ नेम। और दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो दोनों नाम ही हमारे लिए, दोनों नाम हमारे लिए सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं और सेम तरीके के हैं। अब इस पर पहली बार जब ये हुआ, अगर आपको याद हो G20 के वक्त, G20 का जो समिट जो हमने पिछले साल दिल्ली में कराया, तो प्लेकार्ड जो प्रधानमंत्री मोदी के आगे भी लगे, वो भी भारत लिखा हुआ था, इंडिया नहीं लिखा हुआ था। फिर जो प्रेसिडेंट मुर्मू की तरफ से जो इनविटेशन गया डिनर का, उसमें भी भारत के नाम से गया, इंडियन प्रेसिडेंट के नाम से नहीं गया। तो वहाँ से थोड़ा ये मामला ज़्यादा उछला। फिर ओपोजिशन ने उस वक्त भी बोला कि हम ये नाम बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने एक इंडिया ब्लॉग बनाया है, उस वजह से। उस वक्त बहुत तरह की ये हो कि अगर हम क्या भारत नाम ब्लॉग बना लेंगे तो फिर भारत का नाम आप जम्बूद्वीप रख दोगे, क्या करोगे, तो इस तरीके की बातें आती गई। अभी फिर एनसीईआरटी के जो आपने जिक्र किया, एनसीईआरटी के एक पैनल ने सजेस्ट किया कि भाई बुक से ये करते हैं, 3-4 महीने पहले की सजेशन है, अभी इस पर रिव्यू चल रहा है ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसमें नाम बदल देने से, उस पर हम बाद में आएंगे। फिर जो अब जो है, फिर अभी कुछ दिन पहले वो सदगुरु जो हैं जग्गी वासुदेव, उन्होंने इस पे ऊपर एक ट्वीट कर दिया भारत के ऊपर कि हमें भारत का नाम रखना चाहिए। उससे उसी ट्वीट से ये सारी जो उस ट्वीट का जवाब फिर ध्रुव ने दिया। ध्रुव राठी ने ये बोला कि आप एंटी इंडिया, इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हो। फिर उसका जवाब वो गौरव तनेजा जो फ्लाइंग बीस्ट है, उन्होंने दिया। देखिए, ये जो मेरा मानना है कि अगर हम सपोज कल होके इस देश का नाम भारत कर देते हैं, तो क्या उससे जो हमारे देश की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या जो हमारे यहाँ पे जो गरीबी है या जो भूखे लोग हैं या जो पढ़ाई की समस्या है या जो सेहत की समस्या है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी जी। तो मतलब नाम के पीछे इतना लड़ाई झगड़ा, इतना बहस, उसमें कुछ नहीं है। सरकार
मेरे ख्याल से सरकार अगर अगर भारत नाम अगर लगता है उनको कि भारत कर देने से अच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए, बाय ऑल मीन्स भारत कर दें, लेकिन उससे ना किसी के दिल में कुछ बदलाव आएगा। जो प्यार मेरा आपका और हिंदुस्तानियों का इंडिया के लिए है या भारत के लिए है या हिंदुस्तान के लिए है, तीनों के लिए है, क्योंकि मिट्टी तो वही है, हालात वही रहेंगे। बहुत सारे जगहों के नाम बदले गए हैं अभी पिछले कुछ सालों में, हमने देखे हैं कि बहुत सारे जगहों के नाम बदले गए, तो क्या उन नाम बदल देने से उन जगहों की हालात बदल गए? जाके देखिए, नाम बदले जाते हैं, बहुत सारे देश अपना नाम बदलते हैं। अभी सबसे लेटेस्ट टर्की ने अपना नाम बदल के टर्की कर दिया, तुर्की जो भी बोलिए उसको, तो उससे क्या हो गया? उससे क्या तुर्की में लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई या उनके पर कैपिटा इनकम में बहुत बढ़ा, बहुत ये हो गया? तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब बेमानी बहस है। और अपने तौर पे सरकार की तरफ से इस पे कभी आप देखेंगे जो बड़े लीडर हैं, चाहे पीएम हो चाहे होम मिनिस्टर हो, वो लोग इन बातों पे नॉर्मली नहीं बोलते, या तो ये जो यूट्यूबर है दोनों साइड के, राइट विंग के, लेफ्ट विंग के, सब के सेंटर वाले जो हैं वही लड़ते रहते हैं, उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, या फिर वो जो छोटे छोटे जो लीडर होते हैं या जो लीडर बनना चाहते हैं या जिनको राज्यसभा की सीट चाहिए होती है या जिनको पार्टी के टिकट चाहिए होते हैं, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब बहस करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए दोनों नाम बराबर हैं। और अगर एनसीईआरटी की बुक, अब जैसे एनसीईआरटी की बुक में आप वो इतिहास बदलने की बात है कि हम ये इतिहास दिखाएंगे, वो देखिए इतिहास इतिहास होता है, ठीक है, और अगर कोई आदमी अपना इतिहास भूल जाए तो फिर वो उसका, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप अपना इतिहास नहीं याद रखेंगे तो आपका भविष्य कभी अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर हम अपनी इतिहास की गलतियों को नहीं बच्चों को बताएंगे तो वो शायद हो सकता है कि वो भविष्य में वो गलतियां फिर से करें। तो इसलिए जो इतिहास में हमारे यहाँ पे जो गलतियां हम लोगों ने की है, हर लोग करते हैं, हर देश करता है, हर देश के नागरिक करते हैं, हम लोगों से भी गलतियाँ हुई होंगी, उसको मेंशन करना भी ज़रूरी है। वाइट वॉश करना बहुत ये नहीं है। अगर पहले की सरकारों ने अगर वही गलती की है तो ये भी सरकार वही गलती करे, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब एक गलती दूसरी गलती को सही नहीं कर सकती, ठीक है। तो जहाँ तक रहेगा नाम की बात, ये ध्रुव और वो गौरव तनेजा की बात, तो वो तो अपना लड़ते रहेंगे। अभी आप देखिए, अभी शायद एलविश यादव भी कूद पड़े हैं, फिर और भी उधर के कुछ हैं वो कूद पड़े हैं, वो ट्विटर में ये घमासान चलता रहेगा। इस पर फैसला सरकार को लेना है, और मेरा और आपका दिल जी इंडिया और भारत दोनों के लिए बराबरी धड़केगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो जैसा कि हमने जाना कि इंडिया वर्सेस भारत जो डिबेट चलना एक बार फिर से शुरू हो गई है, उस पर आपका क्या टेक है कि जो गौरव तनेजा हैं वो सही हैं या ध्रुव राठी हैं वो सही हैं, या फिर संविधान में इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जुड़े रहें डीएनए के साथ।